दोस्तों, कहा जाता है एक माँ अपने बच्चे को अंधेरे में भी टटोल कर पहचान लेती है। लेकिन दोस्तों, बॉबी डनवर के केस में यह बात बिल्कुल गलत साबित होती नजर आती है। दोस्तों, यह घटना है सन 1912 की, जब बॉबी 4 साल का था और एक दिन वह अपने परिवार के साथ लुसियाना में स्थित स्वाइज लेक पर घूमने जाता है और अचानक वहां से गायब हो जाता है। दोस्तों, इसके बाद बॉबी के माता पिता बॉबी को हर जगह खोजते हैं, लेकिन उसको ढूंढ नहीं पाते और आखिर में हार मानकर उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करवा देते हैं। इसके लगभग 8 महीने के बाद पुलिस बॉबी को मिसिसिपी शहर में एक विलियम नामक व्यक्ति के पास देखती है, लेकिन विलियम बार बार कहता है कि वह लड़का बॉबी नहीं है, बल्कि वह तो जूलिया नामक महिला का बेटा ब्रूस एंडरसन है। लेकिन दोस्तों, पुलिस विलियम की एक भी बात नहीं सुनती है और बॉबी के माता पिता को एंडरसन को सौंप देती है, और बॉबी के माता पिता भी एंडरसन को पहचान नहीं पाते हैं और उसको अपना बेटा मान लेते हैं और विलियम को अपहरण के जुर्म में जेल में डाल देते हैं। इसके बाद दोस्तों, जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, एंडरसन भी अपने परिवार के साथ घुल मिल जाता है और इसके बाद उसके 4 बेटे होते हैं और सन 1966 में उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन मरने से पहले वह अपने साथ घटित हुई सारी बातें अपने परिवार के साथ साझा कर देता है। इसके बाद दोस्तों, 2004 में बॉबी के छोटे बेटे, जिसका नाम बॉब डनवर था, उसकी बेटी ने अपने दादा के रहस्य को सुलझाना चाहा और उसके पिता का डीएनए टेस्ट करवाया। इसके बाद दोस्तों, उसने अपने पिता के डीएनए को उसके चचेरे भाई के बेटे के साथ मैच करवाया, लेकिन उसका डीएनए मैच नहीं हुआ। तो दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ, जिसे अब तक बॉबी डनवर समझा जा रहा था, असल में वो ब्रूस एंडरसन था, और इसके साथ ही विलियम को उस अपराध की सजा भुगतनी पड़ी जो उसने कभी किया ही नहीं था। तो दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि अगर वो ब्रूस एंडरसन था तो बॉबी का क्या हुआ? यहाँ तक कहा जाता है कि उसके माता पिता ने बॉबी को मारकर एंडरसन को अपना बेटा मान लिया था और बॉबी ने आत्महत्या कर ली थी। ऐसी कुछ अफवाहें आज भी यहाँ पे उठती रहती हैं।